मुख्यालय बीकानेर, आज पूरे विश्व के अंदर जो पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जा रहा है उसी के अंतर्गत आज बीकानेर में विश्व पृथ्वी दिवस के आयोजन पर एक विशाल पेंटिंग का निर्माण यहाँ पर किया गया है। जो भारत स्काउट गाइड के बच्चों ने मिलकर आज ये बड़ी पेंटिंग बनाई है, क्योंकि आज पृथ्वी को बचाने के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत अभी कोरोना के रूप में आई हुई है वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए हम जन जागरूकता पखवाड़ा, जो राजस्थान सरकार जन अनुशासन का पखवाड़ा मनाने जा रही है, उसके तहत हम संदेश दे रहे हैं कि मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, साथ ही जो ऑक्सीजन की कमी आज महसूस कर रहे हैं उसके लिए लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में पानी की तरह ऑक्सीजन भी न बेची जाए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। हमारे प्रतिवर्ष हम राजस्थान में राज्य भारतीय स्काउट गाइड के द्वारा बच्चों के माध्यम से पृथ्वी को बचाने का संदेश दिया जा रहा है, और आज आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसके कारण पेड़ और पौधे सब यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं और पृथ्वी बिल्कुल सिमटती जा रही है। मकानात बनते जा रहे हैं, पेड़ पौधों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और ये ऑक्सीजन के वजह से ही आज हमारे इस महामारी कोरोना में भी आप देख रहे हैं कि लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इस पेंटिंग के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं हमारे पूरे बीकानेर के निवासियों को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को भी कि ये आप इस पृथ्वी को बचाइए और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगाइए, और जो सरकार की गाइडलाइन है कि 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, इस सारी गाइडलाइनों का पालन करते हुए हम सबको अपने आप को बचाते हुए इसको ध्यान रखते हुए हमारे को